हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों जो भी मेजर डोमेन्स हैं, यानी एरिया कह लीजिए आप, एरिया भी कह सकते हैं, या जो भी भूभाग, हिंदी में शायद भूभाग कहेंगे, तो जो भी भूभाग हैं धरती के उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये भूभाग में दोस्तों ओशंस भी आते हैं, कॉन्टिनेंट्स भी आता है दोस्तों, इन सब को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है पूरे हमारे गैलेक्सी में, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है, और जीवन है भी, हम लोग यहाँ धरती पर जी रहे हैं। याद रखिए, बाकी जो ग्रह हैं, मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर 1 या 2 में कौन कौन से ग्रह होते हैं, मार्स होता है, जुपिटर होता है, वीनस होते हैं, ये सारे के सारे ग्रह हैं, इनके ऊपर जीवन संभव नहीं है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स लैंड वाटर एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो दोस्तों हम लोग धरती पर क्यों जी पा रहे हैं, क्योंकि भाई जीवन जीने के लिए मेन 3 चीजें चाहिए दोस्तों। एक तो लैंड चाहिए, वाटर चाहिए और एयर चाहिए, और ये तीनों जो हैं धरती पर मौजूद हैं। याद रखिए, हमारे लिए लैंड भी है जिस पर हम लोग खाना उगा सकते हैं, वाटर पीने के लिए है, और एयर सांस लेने के लिए है, और यही तीनों दोस्तों जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं तीनों को दोस्तों कहा जाता है डोमेन्स, दीज आर कॉल्ड डोमेन्स। तो समझ में आया डोमेन्स क्या है? भूभाग है, या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो लैंड वाटर एयर को ही डोमेन्स कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम अर्थ के कंपोनेंट्स की बात करें, तो अर्थ के दोस्तों टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब होता है भाग, तो टोटल 4 भाग हैं। एक है लिथोस्फेयर, हम बांट सकते हैं धरती के भागों को 4 भागों में, एक तो लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। दोस्तों लिथोस मतलब होता है मिट्टी से रिलेटेड है, ये किससे, मिट्टी मतलब लैंड वाले एरिया को लिथोस्फेयर कहा जाता है। एटमोस्फेयर किस एरिया को कहा जाता है, जहां पर एयर है ना, जहां जहां पर एयर है आसमान में उसको कहेंगे हम एटमोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किसे कहेंगे, जहां पर दोस्तों पानी है, यानी समुद्र वाली जगह को, ओशन वाली जगह को हम हाइड्रोस्फेयर कहेंगे। बायोस्फेयर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, ये है एटमोस्फेयर, ये है हाइड्रोस्फेयर और ये है लिथोस्फेयर, और इन तीनों को मिला के, जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं ना, इन तीनों को मिला के बनेगा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर वो जगह होती है जहां पर जीवन संभव होता है, और बायोस्फेयर आपको मैंने बता दिया कहां पे बनेगा, जहां पे लैंड वाटर और एयर, मैंने बताया ना जीवन जीने के लिए लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, तो जहां पे ये तीनों पाए जाएंगे उसे कहेंगे बायोस्फीयर। ये जो दोस्तों यहाँ पे वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं, दोस्तों आपको पता है एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा से ही दोस्तों इन शब्दों का मतलब ये शब्द निकले हैं, कौन कौन से, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। आपको पता है लिथोस का मतलब होता है स्टोन, है ना, एटमोस्फेयर में एटमो का मतलब होता है वेपर, हाइड्रोस्फेयर में हुडोर का मतलब होता है वाटर, और दोस्तों इसमें बायोस में, बायोस का मतलब होता है लाइफ। याद रखिए, बायोस में, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। तो आपको पता चला इन शब्दों का क्या कहते हैं ओरिजिन कैसे हुआ। अब दोस्तों इन्हीं को एक एक करके समझते हैं, लिथोस्फेयर को पहले, सबसे पहले समझते हैं लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर मैंने बता दिया दोस्तों सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, याद रखिए धरती जो है बहुत ज्यादा सॉलिड है, तो उसी को कहा जाता है लिथोस्फेयर। तो धरती में सब कुछ आ जाता है, पहाड़ वगैरह आ जाते हैं, धरती हमारी नॉर्मल है, सब कुछ क्या आ जाता है इसमें, इसको कहा जाता है लिथोस्फेयर। देर आर 2 डिविजन ऑफ अर्थ सर्फेस। तो दोस्तों अगर हम अर्थ के सर्फेस को बांटना चाहें, याद रखिए अर्थ के सर्फेस को अगर बांटना चाहें तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग होगा वो लार्ज एंड मासेस होगा, इसको हम कॉन्टिनेंट बुलाते हैं, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, क्या दोस्तों, महाद्वीप, समझ में आया। जो धरती का जो है दोस्तों, हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो कॉन्टिनेंट भाग में, हिंदी में कहते हैं महाद्वीप, और दूसरा जो है आपको पता है जहां पर बहुत सारा पानी भरा है, यानी समुद्र कह लीजिए या महासागर कह लीजिए, हम उसको ओशन बेसिन्स में भाग में बांट सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि लिथोस्फीयर को हम कॉन्टिनेंट में बांट सकते हैं और दूसरा ओशन में बांट सकते हैं। All the ocean of the world are connected with each other. और आपको पता है दुनिया के जितने भी, भारत दुनिया में जितने भी oceans हैं, वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं पानी के जरिए। The level of sea water remains the same anywhere in the world. और इसी वजह से, क्योंकि भाई ocean जो है आपस में जुड़े हुए हैं, connected हैं, इसकी वजह से सारे oceans में पानी जो है लगभग लगभग बराबर रहता है। Elevation of the land is measured from the level of sea water, which is taken as zero. दोस्तों हम लोग जो है धरती की, लैंड की ऊंचाई जो है
सी लेवल के हिसाब से नापते हैं। सपोज मान लीजिए ये सी है, ये क्या है, ओशन है। ओशन में ये हम मान लेंगे यहाँ पर जीरो, यहाँ पर पानी बह रहा है ना, यहाँ पर जीरो मान लेंगे। उसके बाद ये जो जमीन है ना, इसकी ऊंचाई कैसे नापेंगे, यहाँ से ओशन के लेवल से नापेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, जो लैंड का एलिवेशन है यानी ऊंचाई है, हम उसको सी लेवल के हिसाब से नापते हैं। और इसी हिसाब से दोस्तों, धरती की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। याद रखिए, सी लेवल से जब हम लोगों ने देखा कि भाई धरती में सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो एक माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपको पता है हिमालयस में पाया जाता है, तिब्बत में पाया जाता है। एक्चुअली तिब्बत कहाँ पर है आपको पता है, ये तिब्बत नहीं, सॉरी दोस्तों, ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पाया जाता है। कहाँ पे, नेपाल में पाया जाता है। और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, याद रखिए, काफी बार पूछा जाता है। और थोड़ी सी अब तो ऊंचाई मेरे ख्याल से बढ़ गई है, अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से 8,848 पॉइंट समथिंग हो गई है, तो कोई बात नहीं। और ये सी लेवल के हिसाब से हमने नापा है, मैंने सी लेवल आपको समझा दिया है। और अगर सी लेवल से ही, इसी सी लेवल से बात करा जाए, ये तो हमने धरती के ऊपर ऊंचाई वाली देख ली है, अगर समुद्र के अंदर जाएं, तो सबसे जो हाईएस्ट या क्या कहते हैं, सबसे डीपेस्ट पॉइंट हम बोलेंगे, वो है मैरियाना ट्रेंच। याद रखिए, मैरियाना ट्रेंच हम लोगों ने, इंसानों ने अभी तक डीपेस्ट पॉइंट पता कर पाए हैं समुद्र के अंदर। इससे नीचे एक्चुअली हम जा ही नहीं पाए हैं, इतना ही हम जा पाए हैं। तो इतना ही हमने नाप लिया कि जो मैरियाना ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। और ये मैरियाना ट्रेंच कौन से ओशन में पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में, यानी हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर में पाया गया है। याद रखिए मैरियाना ट्रेंच। और की गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। याद रखिए, 11,022 मीटर तक हम लोगों ने ये मैरियाना ट्रेंच पता कर पाई है धरती पर। दोस्तों धरती पर दोस्तों टोटल 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। याद रखिए, 7 टोटल बड़े बड़े महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो याद रखिए दोस्तों, टोटल 7 महाद्वीप हैं। अब हम इन महाद्वीपों को मैप पर देख लेते हैं। आप देख लीजिए, ये है एशिया, और आपको साइज के हिसाब से भी दिख रहा है एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यह है अफ्रीका, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह है नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों चौथे नंबर पे है साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे देख लीजिए अंटार्कटिका। ये महाद्वीप हैं टोटल 7। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कॉन्टिनेंट है। और जो एशिया है कवर करता है लगभग 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी याद रखिए, अगर टोटल एरिया वर्ल्ड में 3 है, तो उसका एक हिस्सा तो जो है एशिया ही कवर कर लेता है। एशिया जो है धरती के ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है दोस्तों, लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है, ये वेस्ट हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। मैंने वेस्ट हेमिस्फेयर क्या बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, ये है मेरिडियन लाइन, आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था दोस्तों, टाइम जोन जब मैं पढ़वा रहा था तो मैंने बताया था, ये 0 डिग्री है मेरिडियन लाइन, और इसके इधर वाले हिस्से को कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इसके इस इधर वाले को कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो एशिया देख लीजिए ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, और ये जो है एशिया जो महाद्वीप है, ये यूरोप से, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है। कौन से यूराल माउंटेन्स है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि यूराल, ये यूरोप और एशिया को कौन से माउंटेन अलग करते हैं, तो याद रखिए यूराल माउंटेन्स जो है यहाँ पर लोकेटेड है, वो यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। इसके अलावा एशिया से ही दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। याद देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने बताया ना, ये वाली है 23.5 डिग्री की जो होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये एशिया से होकर गुजरती है दोस्तों। ये है इक्वेटर 0 डिग्री की लाइन। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भारत के दोस्तों कौन कौन से राज्यों से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, भारत के कौन कौन से राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब समझते हैं दूसरा जो महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है, वो है यूरोप। यूरोप जो है दोस्तों, ये वेस्ट दोस्तों एशिया के वेस्ट में है, अभी मैंने मैप पे भी दिखाया था। और एरिया वाइज देखा जाए तो ये काफी स्मॉलर है, एशिया के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है। और जो यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, ये आर्कटिक सर्कल यहाँ से गुजरता है। याद रखिए, यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक सर्कल पास होता है, एंड इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। और ये जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भी है। आप फिर से देख लीजिए, ये है यूरोप दोस्तों, ठीक है, और आपको पता है मैंने दिखाया था आपको, ये है आर्कटिक सर्कल ऊपर वाला।
तो आर्कटिक सर्कल यहाँ से होके गुजरता है और ये जो है यूरोप तीन तरफ से पानियों से घिरा है, यानी ओशन से घिरा है। ऊपर देखिए आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन ये सारा का सारा है, और ये कौन सा है, मेडिटेरियन सी है। कौन सा ये सी है दोस्तों, ये वाला वाटर बॉडी मेडिटेरियन सी है। तो तीन तरफ से यूरोप जो है पानी से घिरा हुआ है। अब समझते हैं अगला, अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दोस्तों अफ्रीका जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, है ना। एशिया सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, और ये एकमात्र कॉन्टिनेंट है। याद रखिए अफ्रीका जो है एकमात्र कॉन्टिनेंट है दुनिया का जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों की तीनों लाइनें पास होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ये दिखा भी देता हूं दोस्तों आपको मैप पे, ये देखिए ये अफ्रीका, ये अफ्रीका है और यहां से ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, इसके अलावा इक्वेटर गुजर रही है यहां से देखिए, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों की तीनों जो लाइनें हैं, ये अफ्रीका एकमात्र देश है, अफ्रीका देश बोल रहा हूँ दोस्तों, कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों लाइनें गुजरती है, और कोई भी जो महाद्वीप है कॉन्टिनेंट है वहां से तीनों लाइन नहीं गुजरती, ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ज्यादातर जो हिस्सा है अफ्रीका का वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। देख लीजिए दोस्तों ये देखिए, ये है इक्वेटर, इक्वेटर से देखिए ये थोड़ा ज्यादा हिस्सा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। दोस्तों द कंट्री इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। तो दोस्तों जो अफ्रीका है वो लगभग चारों तरफ से जो है ओशन या सी से कवर है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे रेड सी है, ये वाला जो है रेड सी है दोस्तों, ये मेडिटेरियन सी है, ये अटलांटिक ओशन आप देख ही सकते हैं। तो चारों तरफ से जो है अफ्रीका महाद्वीप ओशन से घिरा हुआ है। अगला जो महाद्वीप है दोस्तों वो है नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, ये जो है दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंट लाइज टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो नॉर्थ अमेरिका है पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। याद रखिए नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और ये तीन तरह से, याद रखिए ये तीन तरफ से जो है ओशन से घिरा हुआ है। आप देख लीजिए मैप पे, ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ अटलांटिक ओशन है, ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और ऊपर आर्कटिक ओशन है। तो तीन तरफ से जो है ये समुद्र से क्या कहते हैं घिरा हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो है देख लीजिए ये है इक्वेटर, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और यहाँ पे दोस्तों ये मैंने बताया क्या था मेरिडियन लाइन के वेस्ट में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अगला महाद्वीप या अगला कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका है। ये जो है ज्यादातर जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। मैप पे देख लीजिए, बार बार मैप दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये इक्वेटर, और इक्वेटर यहाँ से होके गुजर रही है, तो ज्यादातर जो हिस्सा है साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जिसका नाम है एंडीज रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू इट्स एंटायर लेंथ। तो दोस्तों दुनिया की सबसे जो लंबी माउंटेन रेंज है, पर्वतमाला श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, वो यही साउथ अमेरिका में पाई जाती है, और इट्स माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज। याद रखिए एंडीज जो है यहीं पर पाई जाती है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। यहाँ से दोस्तों ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ ना, मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से ये एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला गुजरती है, यानी माउंटेन रेंज जो है यहाँ पर गुजरती है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर भी पाई जाती है जिसका नाम है रिवर, याद रखिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट है दोस्तों, लार्जेस्ट जो रिवर है वो भी यहाँ पर पाई जाती है जिसका नाम है अमेजोन रिवर, और अमेजोन आपको पता है ब्राजील वगैरह से गुजरती है, और यहाँ पे अमेजोन वर्षा वन भी पाए जाते हैं। ये जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ यहीं से जो है अमेजोन रिवर गुजरती है। आई होप आपको साउथ अमेरिका के बारे में समझ में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, एक दोस्तों इस्थमस स्ट्रेट है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इस्थमस स्ट्रेट जो है दोस्तों ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जॉइनिंग टू लैंडमार्क, ये एक स्ट्रिप है लैंड की जो कि ज्वाइन करती है दो इन महाद्वीपों को, याद रखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि ज्वाइन करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, यहाँ पर है ये, ठीक है। अब एक और पॉइंट समझ लेते हैं, यह है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होता है वाटर बॉडी का, याद रखिए स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक छोटा सा पानी का टुकड़ा होता है जो कि बड़े दो पानी के टुकड़ों को कनेक्ट करता है। समझ में आया कि आया कि नहीं आया दोस्तों, दो बड़े वाटर बॉडीज हैं उसको एक छोटी वाटर बॉडी कनेक्ट करेगी, इसी को कहेंगे स्ट्रेट। तो पढ़ देता हूँ, अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन। समझ में आया कि नहीं आया,
ये हमारा भारत है और यहाँ पे श्रीलंका है, और श्रीलंका और भारत के बीच में ये देखिए ये छोटा सा पानी का टुकड़ा बना हुआ है और इसको स्ट्रेट कहते हैं। और ये दोस्तों पाक स्ट्रेट है, क्या नाम है? स्ट्रेट, याद रखिए पाक स्ट्रेट है, जो कि भारत और श्रीलंका को पानी के टुकड़े से आपस में जोड़ती है। ठीक है, अगला समझते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, याद रखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। और ये जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का, सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। देख सकते हैं दोस्तों ये मैप पे देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया और ये है इक्वेटर, और ऑस्ट्रेलिया जो है पूरा का पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट एंड इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। तो दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और ये चारों तरफ से जो है ओशन या सीज से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं मैप पे ये सारा का सारा चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। लास्ट जो महाद्वीप है हमारा वो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ये जो है दोस्तों बहुत ही ह्यूज कॉन्टिनेंट है, और ये पूरा का पूरा जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, स्थित है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, और जो साउथ पोल है दोस्तों ये इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। आप देख लीजिए ये है अंटार्कटिका, ठीक है, और ये है साउथ पोल। साउथ पोल का जो सेंटर है ये बिल्कुल अंटार्कटिका के लगभग बीचों बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? और ये पूरा का पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द कॉन्टिनेंट रिमेन्स परमानेंटली आइस कवर्ड ड्यू टू इट्स पोजिशन इन द साउदर्न पोलर रीजन। तो दोस्तों आपको पता है अंटार्कटिका जो महाद्वीप अभी मैंने दिखाया मैप पे बिल्कुल साउथ में है, और साउथ में मैंने आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में समझाया था कि रोशनी जो है सूरज की यहाँ तक नहीं पहुंचती है, रोशनी नहीं पहुंचती है, तो जिसकी वजह से होता क्या है यहाँ पर पूरे साल भर 365 दिन जो है यहाँ पर बर्फ जमा रहता है, इसीलिए यहाँ पर इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल जीवन संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे देशों ने यहाँ पे अपने रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में स्थित बना रखे हैं। रिसर्च स्टेशन क्यों बना रखे हैं? ताकि यहाँ पे रहकर अंटार्कटिका के बारे में, धरती के बारे में रिसर्च करी जा सके। तो बहुत देशों ने अपने रिसर्च स्टेशन यहाँ पर बना रखे हैं, और भारत ने भी दोस्तों अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं जिसका नाम है मैत्री। याद रखिए मैत्री जो है रिसर्च स्टेशन का नाम है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि जो मैत्री है वो रिसर्च स्टेशन भारत का कहाँ पर है। दो ऑप्शन दे देते हैं, आर्कटिक दे देते हैं और एक अंटार्कटिक दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिक महाद्वीप पे स्थित है, ना कि आर्कटिक सर्कल में स्थित है। तो अंटार्कटिक में स्थित है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण से तो आप याद कर सकते हैं कि दक्षिण में होगा तो मतलब अंटार्कटिक में होगा। आप देख सकते हैं ये फिगर मैंने वैसे बता ही दिया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ साउथ, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगला समझते हैं दोस्तों हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हमने कॉन्टिनेंट देख लिए, ठीक है, यानी लिथोस्फीयर हमने देख लिया था। अब लिथोस्फीयर के बाद हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। आपको पता है धरती को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि धरती का लगभग 71% जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है। याद रखिए दोस्तों 71% जो है धरती पर पानी है, सिर्फ और सिर्फ 29% जो है लैंड है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। तो याद रखिए हाइड्रोस्फीयर का मतलब ही क्या है? मैंने बता दिया ना, जहां जहां पर वाटर होता है वाटर बॉडीज को मिलाकर ही हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो हाइड्रो जो है यानी पानी जो है कहां कहां पर भारत पूरे दुनिया में कहां कहां पर पाया जाता है? रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, ओशंस में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो एरिया हैं हम इनको एरियाज को क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। दोस्तों धरती का 97% जो वाटर है वो ओशंस में मिलता है। याद रखिए धरती का पूरी धरती का 97% जो पानी है ओशंस में मिलता है, महासागरों में मिलता है। और महासागरों का पानी जो है आपको पता है बहुत ज्यादा नमकीन होता है, इसमें बहुत ज्यादा नमक मिलता है, जिसकी वजह से ये इंसानों के कोई काम का नहीं है। क्योंकि भाई नमक वाला पानी ना तो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 97% का है वाटर वो बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट है इंसानों के लिए। सो ओनली स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर और अंडरग्राउंड वाटर। तो दोस्तों मात्र हम कह सकते हैं 2.5% जो पानी है धरती का, 2.5% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है जो इंसानों के इस्तेमाल के लिए है दोस्तों। और ये जो 2.5 वाटर जो है ये धरती के अंदर स्थित है, या आइस शीट के रूप में स्थित है, या ग्लेशियर के रूप में स्थित है। और वही जो पानी है हम खाने पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोल सकते हैं
जो पानी है उसकी बहुत ज्यादा कमी है धरती पर। वैसे तो पानी देखा जाए 71% है, लेकिन भाई वो उपयोगी मतलब इस्तेमाल करने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें नमक मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पानी को बचाना चाहिए। आप समझते हैं दोस्तों तीसरा, ओशंस। ओशंस क्या होते हैं दोस्तों? ओशन जो है ह्यूज वाटर बॉडीज होती है जो कि मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर है, और ये हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट है। मैंने बता दिया ना हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है, ओशंस भी आता है, रिवर्स भी आता है, लेक्स भी आता है, तो ओशंस जो है मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो दोस्तों जो ओशन का पानी होता है इसको हिलाने डुलाने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तीन चीजें काम करती हैं। पहला है वेव्स। वेव्स क्या होता है दोस्तों? आपको पता है पानी जो है दिन भर समुद्र में यूं उछलता रहता है और गिरता रहता है, उछलता रहता है गिरता रहता है, इसी को कहते हैं वेव्स। दूसरा है दोस्तों टाइड्स। टाइड्स क्या होता है? टाइड्स दोस्तों आपको पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण होता है धरती के अंदर, है ना, धरती के अंदर और सूरज के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, और चांद के अंदर भी थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण होता है। तो चांद और सूरज जो है धरती को इधर उधर धकेलते रहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, टाइड्स जो है मिनिमम एटलीस्ट दो बार आता है एक्चुअली पूरे दिन में दो बार टाइड्स आती हैं। और टाइड्स भी दोस्तों एक तरीके से पानी का उछलना और गिरना ही कहलाता है। हिंदी में कहते हैं टाइड्स को ज्वार भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। तीसरा जो चीज है पानी को इधर से उधर लेके जाता है या मूवमेंट करवाता है उसको कहते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है दोस्तों? आपको पता है हमारी धरती मूव घूम रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमारे यहाँ दोस्तों कुछ ओशन करंट्स हैं जो ऐसी वाटर है बॉडीज जो कि पानी को एक फिक्स डायरेक्शन में घुमा रही है, है ना। कुछ ठंडी करंट्स भी हैं, कुछ वार्म करंट्स भी हैं जो पानी को एक मतलब फिक्स्ड डायरेक्शन में इधर से उधर घुमा रही है, तो उन्हीं को हम कहते हैं ओशन करंट्स। इनके बारे में दोस्तों अगली क्लास में यानी बड़ी बड़ी क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही समझ लीजिए। दोस्तों धरती के कुछ मेजर ओशंस हैं जैसे कि पैसिफिक ओशन इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है और आर्कटिक ओशन है। तो हम कह सकते हैं धरती के चार मेजर ओशंस हैं बड़े बड़े, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है लार्जेस्ट ओशन है, याद रखिए पूरी धरती का सबसे बड़ा ओशन जो है पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर है, और ये फैला हुआ है 1/3 ऑफ द अर्थ, याद रखिए पूरी धरती के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। अगर पैसिफिक ओशन की शेप देखी जाए तो ये पैसिफिक ओशन की शेप जो है ऑलमोस्ट सर्कुलर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पैसिफिक ओशन, आधा इस तरफ भी है, हमारी धरती आपको गोल है ना, पता है ना, गोल नहीं स्फेरिकल है वैसे, ठीक है। तो ये आधा पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, तो इसकी जो शेप है लगभग लगभग गोल है। अगला है अटलांटिक ओशन, ये जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, याद रखिए दूसरा सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है अटलांटिक ओशन है, और इसकी शेप एस है, और ये हाईली आइडेंटिकल कोस्ट लाइन विच प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो दोस्तों अटलांटिक ओशन में बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स पाए जाते हैं, देख लीजिए अटलांटिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, और इसकी शेप देखा जाए एस तरीके से है दोस्तों, किसके तरीके से, एस है ना, अल्फाबेट एस जो होता है उसके तरीके से है। अगला जो मेजर ओशन है वो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर हिंदी में कहते हैं दोस्तों। इंडियन ओशन दोस्तों एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा गया है, और किसकी कंट्री, आपको पता है भारत के नाम पर इस ओशन का नाम पड़ा है इंडियन ओशन। इसकी जो शेप है दोस्तों ट्रायंगुलर शेप है, आप देख लीजिए यह इंडियन ओशन, और थोड़ा सा ऐसे देखेंगे ना, ऐसे ऐसे करके, तो ट्रायंगुलर शेप है इंडियन ओशन की। अगला है दोस्तों साउदर्न ओशन एनसर्कल्स द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 600 साउथ लैटिट्यूड। तो दोस्तों जो ये क्या कहते हैं इंडियन ओशन है जो साउदर्न सर्कल में दोस्तों अंटार्कटिक तक जाता है, और उसके बाद नॉर्थ में दोस्तों 600 साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, ठीक है, ये इंडियन ओशन की बात हो रही है। अगला ओशन जो है आर्कटिक ओशन है, ये जो है आपको पता है आर्कटिक सर्कल में स्थित है, और ये आर्कटिक सर्कल कहाँ पे दोस्तों, पूरा का पूरा नॉर्थ पोल में है, आप देख लीजिए ये है आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन पूरा आर्कटिक सर्कल में स्थित है और ये पूरा का पूरा नॉर्थ में है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ओशंस। अब समझते हैं एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर दोस्तों क्या होता है? मैंने बता दिया दोस्तों धरती का वो हिस्सा जहां पर सारी की सारी जो है हवा फैली हुई है उसी को एटमोस्फेयर कहा जाता है। तो एटमोस्फेयर क्या है? एटमोस्फेयर एक ऐसा एनवलप है एयर का जो कि अर्थ को सराउंड करके रखा हुआ है, धरती को घेर के रखा हुआ है। दोस्तों ये जो एटमोस्फेयर है ये हमको प्रोवाइड करता है हवा सांस लेने के लिए, है ना। एटमोस्फेयर में ही आपको पता है ऑक्सीजन पाई जाती है, याद रखिए एटमोस्फेयर में सारी की सारी गैसें इंक्लूडेड हैं, उन्हीं में से एक जो गैस है ऑक्सीजन भी है जो कि हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एटमोस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस भी हैं या हवाएं भी हैं जो कि
सूरज से बहुत खतरनाक खतरनाक किरणें आती हैं, उनसे हमें बचाती भी हैं। याद रखिए सन की जो खतरनाक रेज होती हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उनसे भी हमें ये एटमॉस्फेयर ही बचाता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो याद रखिए एटमॉस्फेयर जो है धरती से लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। धरती का अगर यहाँ पे धरती है ना, तो अगर ऊपर जाएं तो 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। अगर हम इसी एटमॉस्फेयर को बांटना चाहें तो हम टोटल दोस्तों 5 लेयर्स में बांट सकते हैं। याद रखिए एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांट सकते हैं। और ये 5 लेयर्स में हमने कैसे बांटा है, हमने 5 लेयर को पढ़ा है और हमने देखा कि इन लेयर्स का जो कंपोजिशन है, बनावट है, इनमें जो टेम्परेचर है और कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। इसी वजह से हमने एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांट रखा है। और ये कौन कौन सी लेयर्स हैं दोस्तों, ये लेयर्स हैं, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, सबसे नीचे क्या है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। ये मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं ये ट्रोपोस्फेयर। यहाँ इसका कंपोजिशन अलग है, यानी इसकी बनावट अलग है, इसमें थोड़ी सी हवाएं अलग पाई जाती है, इसका जो प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी अलग है। स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर आता है, फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर एक्सोस्फेयर आता है। इनके बारे में आप दोस्तों बड़ी क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें याद रखिए 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि भाई बताओ एटमॉस्फेयर में कौन सी जो गैस है कितनी परसेंट है। तो आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा है। और उसके बाद आता है नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है, 21% पाई जाती है। बाकी बची जो दूसरी गैस, जैसे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, इनका जो मात्रा है लगभग 1% है। याद रखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और आर्गन वगैरह और भी बहुत सारी गैसेज हैं, इनका जो मात्रा है लगभग पूरे एटमॉस्फेयर में 1% पाया जाता है। ऑक्सीजन आपको पता है इंपॉर्टेंट है सांस लेने के लिए। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ग्रोथ ऑफ लिविंग बींग्स, जो भी जीवित जंतु हैं उनके मतलब ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है इंपॉर्टेंट गैस क्यों है, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही वो जो गैस है जो धरती को गर्म करके रखती है ना। जो सूरज से आपको पता है गर्म वाली किरणें आती हैं, उनको दोस्तों एक तरीके से अब्सॉर्ब कर लेती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी वजह से हमारी धरती जो है गर्म रहती है। इसके अलावा आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे हैं ये सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा हो गई तो बहुत ज्यादा धरती गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसलिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है लगभग इतनी होनी चाहिए कि भाई हमारी धरती को बस उतनी ही गर्मी मिले जितनी हम बर्दाश्त कर सके। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है तो भाई हम लोग जो है मर जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ेगी, जब भाई पेड़ नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सांस लेकर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगर पेड़ काटोगे तो इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से धरती जो है बहुत ज्यादा गर्म होगी और हम यहाँ पे जीवन नहीं जी सकते। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फेयर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड द डिक्रीजेस एज गोइंग अप। तो दोस्तों जो एटमोस्फेयर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, सी लेवल के पास पाई जाती है। याद रखिए सी लेवल जो है वहां पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी या घनत्व है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। याद रखिए जो फिर से बोल देता हूँ, एटमॉस्फेयर का घनत्व जो है ओशन लेवल के पास सबसे ज्यादा है, और ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे कम होता रहेगा। अगला समझते हैं दोस्तों बायोस्फेयर क्या होता है। बायोस्फेयर वैसे तो मैंने समझा दिया है, जहां पे याद रखिए लिथोस्फेयर है ना, हाइड्रोस्फेयर और क्या बताया था एटमॉस्फेयर, ये तीनों के तीनों मिलते हैं वहीं पे क्या बनता है, ये बायोस्फेयर बनता है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड वाटर एयर है ना। ये देखिए ये लैंड वाटर और एयर के बीच में, यानी तीनों से मिलकर, लैंड से यहाँ वाटर और ये एयर तीनों से मिलकर जो चीज बनती है उसको कहते हैं बायोस्फेयर। मैंने बताया ना जीवन जीने के लिए भाई लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। तो जहां पे ये तीनों स्थित जगह जहाँ पे ये तीनों चीजें मिलेंगी, लैंड वाटर और एयर, उसी को दोस्तों कहेंगे बायोस्फीयर, यानी वहां पे जो है जीवन संभव होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर डिपेंडेंट अपॉन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो दोस्तों जितने भी धरती पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारे के सारे इस बायोस्फीयर की वजह से ही जिंदा हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो दोस्तों जो बायोस्फीयर है उसमें जो भी जीव जंतु हैं उनको हम दोस्तों दो भागों में बांट सकते हैं,
प्लांट किंगडम यानी पेड़ पौधों का राज्य, और दूसरा जो है एनिमल किंगडम यानी जंतुओं का राज्य। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। द डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर। तो दोस्तों याद रखिए, जो भी धरती के डोमेन्स हैं, है ना, डोमेन्स मतलब आप बोल लीजिए लैंड जो है, वाटर जो है, एयर जो है, ये तीनों के तीनों आपस में जुड़े हैं। मैंने बता दिया, याद रखिए लैंड, वाटर, एयर, तीनों के तीनों आपस में जुड़े हैं। अगर आप एक चीज को नुकसान पहुंचाओगे, लैंड को नुकसान पहुंचाओगे, तो उसका जो नुकसान है वाटर पे भी होगा, एयर पे भी होगा। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज मान लीजिए आपने जो है कूड़ा करकट जो है धरती पर फैला रहे हैं, बहुत सारा पॉलिथीन वगैरह कूड़ा करकट फैला रहे हैं। अब उसकी वजह से होगा क्या, देखिए वो जो कूड़ा करकट है एक दिन कहाँ जाएगा, पानी पे भी जाएगा, है ना, बारिश होगी या नदियों के जरिए आएगा, किसी के जरिए भी वो पानी में जाएगा, बाद में पानी को भी दूषित करेगा वो पन्नी वन्नी। भाई पानी को दूषित करेगा जो, तो भाई एयर जो है, आपको पता है एयर में भी जो है पानी मिला होता है, बाद में दोस्तों जो केमिकल वाली चीजें एयर में भी जाएंगी और वो एयर को भी जाके क्या करेंगी, पॉल्यूट करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए ये तीनों के तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर आप एक को नुकसान पहुंचाओगे तो नुकसान जो है पानी को भी पहुंचेगा, एयर को भी पहुंचेगा, लैंड को भी पहुंचेगा। ठीक है, अब समझते हैं लास्ट चीज, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वैसे मैंने समझा दिया है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है धरती का गर्म होना। क्या, धरती का गर्म होना, और धरती कब गर्म होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कब बढ़ेगी, जब हम पेड़ों को काटेंगे। तो दोस्तों जो एयर है यानी हवा जो है इसको पोल्यूट करते हैं दोस्तों बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलते हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इंडस्ट्रीज लगी हैं उनमें बहुत खतरनाक आपने देखा होगा धुआं निकलता है, तो उससे जो है हमारी जो एयर है बहुत ज्यादा पोल्यूट होती है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं यानी बिजली बनाने वाले जो प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उनसे बहुत गंदा पोल्यूशन निकलता है। और ये कौन सा पोल्यूशन निकलता है, एक्चुअली निकलता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और भी गैसें निकलती हैं लेकिन हम मेजर कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, यही जो है धरती का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से धरती जो है गर्म हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी धरती जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया कि दोस्तों, नहीं आया कि जो ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे बढ़ रही है, एक तो पेड़ वेड़ काटने से, और दूसरा ये पॉल्यूशन निकल रहा है जो इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से, इनसे भी बहुत ज्यादा धरती हमारी गर्म हो रही है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। सो इट इज एसेंशियल टू लिमिट द ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। तो दोस्तों इसीलिए हम लोगों को ये जरूरी है कि हम लोग जो है ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज को मेंटेन करें या लिमिट करें, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जो भी हमारे डोमेन्स है धरती के, जैसे कि कौन कौन से डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इनको बचाया जा सके। आप देखिए दोस्तों, अगर धरती बहुत ज्यादा गर्म होगी तो भाई धरती पे जो पानी मतलब बर्फ के रूप में पानी जमा है, याद देखिए बर्फ के रूप में जो पानी जमा है हिमालय में, बहुत सारे अंटार्कटिक में आपको मैंने बता दिया बर्फ जमी हुई है, आर्कटिक में बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है, अगर धरती पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी तो ये सारी की सारी जो बर्फ है पिघल जाएगी, और ये पिघल कर कहां जाएगी सारी की सारी बर्फ, ओशंस यानी समुद्रों में जाएगी, और समुद्र में जाएगी तो होगा क्या, ये जहां पर हम लोग रह रहे हैं हमारे देश में धरती पर, वो धरती को डुबाएगा। भाई पानी जब ज्यादा ओशन में बढ़ेगा तो वो डुबाएगा किसको, धरती को डुबाएगा, और धरती को डुबाएगा तो भाई हम लोग रहेंगे कहां, मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग पे काबू करने की जरूरत है। ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।